नमस्ते माई, कैसी हो सुमन जी? बस ठीक, आप ही का आशीर्वाद है। माई, ये मेरी बेटी वेदिका। हरिया ने बताया था बच्ची के बारे में, परंतु कभी मिलवाया नहीं। बहुत प्यारी है। धन्यवाद। माई, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। माई, मैं जानती हूँ कि मेरे पति हर आपके बहुत बड़े भक्त हैं, और पिछले 10 सालों से लगभग तकरीबन उन्होंने अपनी कमाई का आधा पैसा आपको दान किया है। मुझे नहीं, हरिहर आश्रम को अपनी कमाई का आधा हिस्सा दान करते हैं। जी, मेरा कहने का वही मतलब था। माई, आप तो जानती हैं कि हरिहर जो है वो अपना सारा समय आपके साथ आश्रम में बिताते हैं, इसलिए जो हमारा बिजनेस है वो मुझे ही संभालना पड़ता है। और कुछ खास बिजनेस चल नहीं रहा है माई, काफ़ी टाइम से। और आपको, मेरा मतलब है कि आश्रम को आधा पैसा देने के बाद हमारे पास कुछ ज़्यादा बचता नहीं है माई। और अभी मैं क्या करूँ? अभी माई, मुझे सिर्फ अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचना है, मुझे मेरे और वेदिका के भविष्य के बारे में सोचना है। माई, इसलिए अगले महीने से, माफ़ करिए, मैं दान में कुछ नहीं दे पाऊँगी। भगवान को सड़क पर बैठाया गया समझ रखा है क्या? जब मन किया भोग लगाया, जब नहीं किया तो नहीं लगाया। माई, हमारी कमाई से भगवान को भोग नहीं लगता है। माई, आपके आश्रम को भोग लगता है। माई का चिंगार चिंगार के रोने का मतलब समझती हो मूर्ख औरत? तू हरिहर की बर्बादी का कारण बनेगी।